दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको सोजत तहसील के केलवाज गांव की ओर ले चलता हूं। केलवाज गांव वो गांव है जहां इस गांव में प्राचीन कालका माता का मंदिर आया हुआ है और यहां प्रतिवर्ष भादवा की तेरस को यहां भव्य मेला लगता है और आसपास के सैकड़ों ग्रामीण इस मेले में आकर कालका माता जी के दर्शन करते हैं। और मंदिर के ठीक सामने अरावली की गोद है, ये जो एनीकट बना हुआ है ये पिछले दो चार दिनों से लबालब भर गया और यहाँ का कलकल करता पानी हर एक का मन मोहित कर रहा है। जैसे कि आप जानते हो मारवाड़ में इस वर्ष मानसून की धमाकेदार बारिश के कारण पूरा मारवाड़ मानसून की वर्षा से लबरेज हो गया है और हर गांव में लगभग यही स्थिति बनी हुई है। हर गांव में एनीकट, तालाब और बांध और भूलो चल रहे हैं। दुर्भाग्य ही है उन गांवों का जिन गांवों में अभी तक बरसात नहीं हुई है और वो एनीकट अभी तक सूखे पड़े हुए, लेकिन इस केलवाज गांव में जो ये दृश्य देख रहा हूँ वाकई लाजवाब दृश्य है। ये मगरा एरिया का ये गांव है और इस गांव में खूबसूरत ये एनीकट बना हुआ है। आपको बता देता हूँ कि इस एनीकट का पानी देवली हुल्ला और बगड़ी तक पहुँचता है और बगड़ी से आगे लीलीडी नदी के रूप में बनकर ये पानी धीरे धीरे बिलाड़े की ओर चलता है। अब मैं आपको इस मंदिर का नज़ारा आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ हर वर्ष भादवा को मेला लगता है। दर्शकों आप इस मंदिर की खूबसूरती देख रहे होंगे, ये वही मंदिर है कालका माता का मंदिर जहाँ भादवा को मेला लगता है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की इच्छा कामना पूर्ण होती है और यहाँ जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो मन्नतें पूरी होती है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर की मूर्ति जो खुदाई के दौरान निकली थी वो मूर्ति आज यहाँ स्थापित है और ग्रामीणों ने यहाँ भव्य सुंदर मंदिर बना रखा है और इस मंदिर में हर तरह की सारी सुविधाएं मौजूद है। मैं आपको वो मूर्ति के दर्शन भी करवा रहा हूँ। आप देखना, ये वही मंदिर है कालका माता का, ये मंदिर जो अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। इस मंदिर में हर साल मेला भरता है और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ अच्छा मेला भरेगा और लोग विभिन्न गांवों से यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये कालका माता का मंदिर सोजत तहसील में आया हुआ है। मैं इस समय यहाँ के जो पुजारी है उन पुजारी जी से निवेदन करूँगा कि आप इस मंदिर के बारे में कुछ हमें जानकारी दें। माननीय पुजारी जी, आप पुजारी हैं सर, इस मंदिर की क्या खासियत है? मंदिर में जो भी आता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। कितने साल पुराना है ये मंदिर? हजारों साल पुराना मंदिर है और प्राकृतिक से निकला हुआ मंदिर है। अच्छा, कैसे प्राकृतिक रूप से, कैसे आप थोड़ा समझे? जमीन में से प्राकृतिक रूप से कोई डाकू को सपने में आकर के कहा था, जब उसने वो खुदाई करी तो ये जमीन में से प्राकृतिक मूर्ति समेत ये पूरा मंदिर निकला था। और इस गांव में ही इस मंदिर का ये जो भव्य निर्माण किया गया, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण वासुदेव जी महाराज के देख रेख में गांव की कमेटी द्वारा कराया गया, सबके सहयोग से हुआ था और इनके जो भी एक एक खंड है इनके 1,000 रुपये में एक एक ये खंड सबके बोली से बनाया हुआ है। और मैं आपको ये बता रह रहा हूँ कि ये मंदिर का ये मुख्य द्वार है जो अपने आप में ये आकर्षित है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरे गांव और गांव के प्रवेश द्वार होते ही यहाँ मंदिर बना हुआ। इस मंदिर में अच्छा सा भव्य प्रवेश द्वार बना हुआ है और पास में यहाँ मैं देख रहा हूँ इधर इस गांव में सिरियादेव माता का भी मंदिर आया हुआ है। मुझे लगता है ये पूरा गांव धार्मिक गांव है और इस गांव में धार्मिक आस्था पूरी गांव में रग रग में बसी हुई है। मैं आईबी खान मीडिया केलवाज सोजत से।